गाइज एनटीए की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सीएनसीआई की तरफ से आया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से ये वैकेंसी आई है, एलडीसी की वैकेंसी आई है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। और इस वीडियो में आपके साथ फुल्ली डिस्कस किया जाएगा इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और गाइस सारी डिटेल यहाँ पे है, जो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल शेयर की जाएगी। क्योंकि जो ये जनरल डिटेल है आप इसको कैच करने के बाद अपना जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो एक स्टैंड कर सकते हो, आप अपना स्टडी का लेवल यहाँ पे बढ़ा सकते हो और उसी हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो ताकि ये एग्जाम आपका इजीली क्लियर हो सके। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एलडीसी के बारे में। एलडीसी की पूरी डिटेल कवर होने के बाद हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में। एलडीसी के बारे में बात कर लेते हैं, इसका सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट जो कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका रखा गया है। टाइपिंग आपका हिंदी और इंग्लिश, आपको एक लैंग्वेज जो भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उस लैंग्वेज में ही आपकी टाइपिंग होगी। जो आपका रिटन टेस्ट है गाइज यहाँ पे एमसीक्यू टाइप 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन। गाइज चार ऑप्शन मिलेंगे, जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको क्लिक करना है और सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा। और गाइज 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा और जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर को कैरी करेगा, यानी 150 क्वेश्चन जो है 300 नंबर के यहाँ पे रखे गए हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25% एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ऐसे सेम 8 नंबर का गलत करोगे तो 2 नंबर आपके यहाँ पे काट लिए जाएंगे, ठीक है। और गाइज ये जो सिलेक्शन है टोटली सीबीटी के जो नंबर है उसके बेस पर होगा। यहाँ पे जो रिटर्न जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। टाइपिंग जो भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें से 1:5 की रेशियो में कैंडिडेट जम करेंगे और टाइपिंग टेस्ट के लिए, फिर यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी रिटर्न टेस्ट के बिहार पे, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। देखो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको करने हैं, हिंदी के कर सकते हो या फिर आप इंग्लिश के कर सकते हो, दोनों यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है हमारा यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। और फिफ्थ हमारा जनरल अवेयरनेस, इसके भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का ये एग्जाम रखा गया है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है इस एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग तो है लेकिन बहुत हार्ड है, ठीक है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो बेसिक टाइपिंग आपको हिंदी में करनी है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में करनी है। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है तो बेसिक टाइपिंग आपको 35 वर्ड्स पर मिनट आपको ये करनी है, जिसमें आपके 10,500 से लेकर 9,000 एज पर यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज की डिप्रेशन पर आर आपको लिखने हैं, जिसमें आपको एक पैसेज मिलेगा और पैसेज आपको पूरा टाइपिंग करना है विदाउट एनी मिस्टेक, जो जिसमें कि आपको 10 मिनट कंप्लीट मिलेगी। 10 मिनट में वो आपका पैसेज जो है कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना है, टाइपराइटर पे नहीं, आपको सब कुछ कंप्यूटर पे करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। गाइज लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा और लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसको पूरा करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, सेम इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। हिंदी में आता है तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में आता है तो दे सकते हैं। सेम इसमें 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी आपका जो है स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका लेबोरेटरी से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट होगा। इसमें भी 1:5 की रेशियो में जो भी सीबीटी एग्जाम से सेलेक्ट हो गए स्टूडेंट, एक वैकेंसी के लिए 5 स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। और इसमें भी आपका सेम है, जो आपका फाइनल लिस्ट बनेगी वो सीबीटी एग्जाम के बिहार पे बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्किल टेस्ट आपका 30 मिनट का होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जो है एनाटॉमी और साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, बायोकेमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के 25 क्वेश्चन आएंगे, पैरासिटोलॉजी के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे और गाइज पैथोलॉजी के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे,
हेमेटोलॉजी पे यहाँ पे 45 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मैं सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, जब आप नोटिफिकेशन खोलते हो उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं, वे प्रिंसिपल आप पढ़ लेना, यानी बेसिक बेसिक आपको पढ़ना, ज़्यादा डीपली आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे साइटोपैथोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे 200 मार्क्स का और 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।